चटपटी मज़ेदार चाट भंडार जैसी चाट पापड़ी मैं आज आपको इसी की रेसिपी बता रही हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार है। तो आज हम इसे आपको बनाना बताते हैं किस तरीके से बनाते हैं चाट पापड़ी। तो ये हमारी है चाट पापड़ी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिजवाना हैदराबादी ब्लॉग। आज की मेरी रेसिपी है चटपटी चाट भंडार जैसी मज़ेदार चाट पापड़ी। तो चाट पापड़ी बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, तो हम पहले भिगाते हैं पापड़ी का आटा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ml जितना मेजरिंग कप। सो मैं इसके हिसाब से यहाँ पर 2 कप यहाँ पे मैं डालूँगी। ये मैं फर्स्ट कप डाल रही हूँ 250 ml का। इसी तरह मैं अभी और एक वन मोर डालूँगी इसमें। तो मैं यहाँ पे 250 ml जितना ले ली हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ली हूँ अजवाइन। तो अजवाइन को अपने हाथों से अच्छे से अपन क्रश करेंगे, इसे अच्छा से क्रश करना हाथों से। तो अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 tbsp नमक और 1/2 tbsp जो है ना यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल जितना जो है ना ऑयल। तो अब हम यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे अपने हाथों की मदद से। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके भिगा लेंगे आटे को। तो यहाँ पर मैं पूरे आटे को अच्छे से गूंद रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा, मैं यहाँ पर आटे का डो जो है ना अच्छे से मसल रही हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हमारा डो अच्छी तरीके से बन चुका है। देखें, हम आजू बाजू से पूरा क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्लीन कर लिया है। तो एक कॉटन का कपड़ा लेंगे जिससे मैंने इसे भिगा कर रखी है। अब मैं इसे कवर करके एक हाफ एन आवर के लिए मैं रख डालूँगी ताकि हमारा डो अच्छे से नरम हो जाए। तो हमें इसे अच्छे तरीके से ढक कर रख देना है। तो इस तरीके से हम इसे एक हाफ एन आवर के लिए हम जो है ना इसे कवर करके रख देंगे। तो मिलते हैं हम फिर आपको हाफ एन आवर के बाद। चले अल्लाह। यहाँ पर हमारे हाफ एन आवर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारा डो किस तरीके से बन चुका है। देखिए हमारा डो अच्छे से नरम हो गया है। तो अब हम इसके बना लेंगे छोटे छोटे। तो अपने हाथों पे इसे रोल करेंगे अपन। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसे रोल कर लिया है। आप यहाँ पर नाइफ की मदद से हम इसे काट लेंगे। इस तरीके से काट लीजिए आप लोग अभी। तो अब हम यहाँ पर इसे एक एक करके रख देंगे। तो फिर से हम इसे फिर से पलट के बनाएंगे एक एक कर। तो मैंने अपने हाथों पे ऐसे इसे अब यहाँ पर हम अच्छे से रोल करेंगे। तरीके से तो यहाँ पर थोड़ा हम आटा फैलाएंगे। अब हम बेलेंगे। तो मैं यहाँ पर रोटी बेल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बेल लिया है। अगर आपको छोटे छोटे बनाना रहा, अगर आपके पास कुछ रोल है गोल, तो हम उसकी मदद से इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डोसे की कटोरी जैसे नाम ली हूँ मैं कटोरी ली हूँ। अब हम इसे एक एक करके काटेंगे। चाहे तो आप छोटे छोटे भी बेल सकते पर मैं यहाँ पर इस तरीके से कर रही हूँ, इजी हो जाएगा ये।
अब हम एक एक कर इसे अलग से निकाल लेते हैं। इसी पे हम रखेंगे, खुला रखेंगे। देखिए हमारे स्थिति चाहिए अपन। यहाँ पर पेड़ा इस तरीके से बनाई हूँ, इसे टर्न कर रही हूँ इस तरीके से। अच्छे से मैंने यहाँ पे फिर से हम थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम आटा। हम यहाँ पर फिर से इस तरीके से बना के देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर रोटी मैंने बड़ी की है ताकि हमारे अच्छे से ज़्यादा निकले। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे बीच में हुआ तो हम बीच में से भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से पहले अपने किया था, अच्छे से कट कर लेंगे एक एक कर कर। तो यहाँ पे मैंने पूरे कट कर लिए हैं, टेबल से सूखने के लिए रख दिए। तो इसी तरीके से हम पूरे बना लेंगे, ये पूरे बेल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, देखिए ताकि हमारा तेल गर्म हो जाए। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे, एक एक करके डालेंगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे, इस तरीके से बैठा लेंगे अपन, क्योंकि क्रिस्पी होना हमें इसलिए। तो हम इसे स्लो फ्लेम पे रखते हुए फ्राई करेंगे, फ्लेम हमें ज़्यादा नहीं करना है। इस तरीके से हम तलते जाएंगे, क्रिस्पी होना है हमें। अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम ऐसे ही करके पूरे फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे फ्राई करने देंगे, देखिए कैसे अच्छे से फूल रहे हैं। इसी तरीके से हम पूरे लाइट ब्राउन करते हुए निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, ये हमारे रेडी हो चुके हैं चाट पापड़ी की पकड़ी। देखिए कितनी क्रंची लग रही है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है खट्टी मीठी ग्रीन चटनी। तो हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ कोथमीर पुदीना, इसे धो के रखना अपन। और यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन के कलियाँ और हरी मिर्च नींबू।
तो अब हम क्या करेंगे, नींबू को अपन बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले हम कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची और लहसुन को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राइंड कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे, ग्राइंड मैंने किया है, आपका नज़र इस तरीके का स्पून है तो मैं यहाँ पर फुल स्पून भर के जो है ना इसमें दही डाल रही हूँ। अब हम इसे दही डाल के हाफ पे और हाफ लूँगी मैं इसमें से, तो अब हम इसे फिर से ज़रा ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून जो है ना नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम हाफ लेमन का जूस, ताकि हमारी चटनी जो है ना अच्छे से चटपटी लगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे इसका रस मैंने निकाल लिया है, हम इसे मिक्स करेंगे। तो हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है, अब हम यहाँ पे बनाते हैं चाट पापड़ी। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ क्रिस्पी मज़ेदार चाट पापड़ी, देखिए कितने अच्छे से वो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे पापड़ी को अच्छे से क्रश कर ली हूँ, इसमें डालूँगी मैं क्रश किया हुआ ग्रेट करे हुआ कैरोट, इसमें डालूंगी चॉप प्याज डालूंगी मैं, और यहाँ पर मैं अब डालूंगी, यहाँ पे मैं डालूंगी मीठी चटनी। अगर आपको मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे वीडियो देखिए आप, इसमें मैंने बनाई हूँ भेलपूरी, तो मेरा वीडियो आपको देखे भेलपूरी वीडियो देखे तो आपको मेरी मीठी चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मीठी चटनी और इमली की मीठी चटनी मैं डाल रही हूँ, ग्रीन चटनी, इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शौ, शौ मैंने डाल लिया है यहाँ पर। इसमें मैं डालूंगी दही, इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आता भेलपूरी में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही, अगर बच्चे अगर दही नहीं खाए तो आप इसे मत डालिए बच्चों को। फिर से इस पर डालूंगी मैं थोड़ी सी मीठी चटनी, इसमें डालूंगी मैं मीठी चटनी फिर से लग रही है। फिर से मैं इस पर डालूंगी थोड़ा सी हरी चटनी, तो ये हमारी रेडी हो चुकी है चटपटी मज़ेदार लज्जतदार चाट भंडार जैसी चाट पूरी चाट। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मेरी रेसिपी को इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और मेरी जितना हो सके मेरी वीडियो को आप शेयर करिए, और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।